स्वागत है आप सभी का रवि फ्रॉम हिमालय में, और ये हमारे 5 दिन के रूपकुंड ट्रैक का सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम देहरादून से बेदनी बुग्याल की हसीन वादियों में पहुंचे। इस एपिसोड में हम बेदनी से रूपकुंड के बेस तक का ट्रैक करेंगे, जिसमें डे 2 और डे 3 कवर्ड है। हम लोग यहाँ पर बेदनी बुग्याल में जो ये तालाब है और मंदिर है वो छोड़कर आगे पातर नचौनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम गैरोली से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। मौसम एकदम चेंज हो गया है, चारों तरफ बादल लग चुके हैं और हम अभी भी 2 किलोमीटर पीछे हैं पातर नचौनी से। तो यहाँ का नाम घोड़ा लठौनिया है। तो हम लोग पहुँच गए अपनी कैंप साइट में, और पीछे एक टेंट है और इधर एक टेंट है, यहाँ नीचे हमारा खाना पीना होगा। तो अभी चलते हैं हम अपनी छोटी सी कुटिया में। बहुत ही कोजी रूम है और यहाँ पे हमारा किचन सेटअप करा हुआ है, तो आपको ले चलते हैं। हम पहुँच गए हैं भाई अपनी कुटिया में। पातर नचौनी से थोड़ा सा 300 मीटर नीचे है। कब से हो यहाँ पे? तो 6 महीने हो गया। 6 महीने नहीं, मजा तो आप बात करने का आता है। तो बाहर बारिश हो रही है और इस छानी में चाय पीने और आराम करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नीचे टेंट में चाय पानी और खाने के बाद हम लोग वहीं पे थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। और अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, आसमान एकदम खुल गया है। ये हमारे टेंट इजी लगे हुए हैं। पातर नचौनी में इतनी ठंड है कि हम लोग 7 बजे से पहले ही डिनर के लिए चले गए। और यहाँ कुंवर जी जो हमारे घोड़ों को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ही लजीज खाना तैयार किया है। खाने का जुगाड़ करने के बाद अब सोने का जुगाड़। बहुत ठंडा है ब्रो, ये लगाओ साइड में। हम आ गए हैं अपने टेंट के अंदर और मेरे साथ वाले दोनों गहरी निंद्रा में जा चुके हैं और अभी 7 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग, ये हमारा 3रा दिन है रूपकुंड ट्रैक का। आज का हमारा ट्रैक होगा भगवा बासा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो पहाड़ी का टॉप है वहाँ से हम लोग भगवा बासा जाएंगे। और जो मैंने सुना है, भगवा बासा और रूपकुंड, मतलब जो डे 3 और डे 4 है वो हमारा टफेस्ट रूट होगा और टफेस्ट ट्रैक होगा इस पूरे जर्नी का। और आज हम भगवा बासा में स्टे करेंगे और कल वहाँ से रूपकुंड और जुनियार गली, जो कि वहाँ पे टॉप मोस्ट माउंटेन है, वहाँ तक ट्रैक करेंगे और फिर से भगवा बासा वापस आएंगे। धूप निकलने वाली है और 6 बज रहा है, और इस खूबसूरत मौसम में मेरे दोस्त लोग आराम कर रहे हैं। तो चलो उनको उठाते हैं। पंकज, चलेश, हाँ जी, उठो ब्रो, 6 बज गए। गांव 7:30 बजे आता है, 7 बजे निकल रहे। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं पहाड़ों की तरफ दौड़ता हूँ। मुझे लगता है कि पहाड़ों की ऊंचाई, शांति और निर्मलता एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है।
पढ़ाई पढ़ रहे हैं? चाय के लिए ऑर्डर दे दी है, अपनी शक्ल दिखाए। और अब धूप निकल चुकी है और इसके बाद हम भी तैयार होकर प्रस्थान करते हैं। तो चलो पातन नचौनी में सुबह की दिनचर्या शुरू करते हैं। भाई साहब बहुत ठंडा है। बरड़ है ना? हाँ बरड़। ये दिख रहे हैं हमका आपको पहाड़ी बरड़ जो काफी हाइट पे मिलते हैं। मैं 1 बजे उठ गया था, 1 बजे बाद मैं पलटता रहा बस। सनराइज से पहले हम रूपकुंड में पहुंचे। 3 बजे सुबह उठना, सुबह 3 बजे निकलना है। बॉडी भी जरा सा और क्या, पूरा फ्रेश है, रात को रिकवर हो रही है। अच्छा है, यहाँ पे आना है तो कम से कम 5 से 6 दिन का ट्रैक लेके आना है, तब जाके तुम अच्छे से मतलब एंजॉय कर पाओगे। चला जाए। पानी भरने के लिए जद्दोजहद घोड़ों में और हमें। तो अभी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए और कैंप साइट नीचे छूट गया है। ये देखिए, ये रही हमारी कैंप साइट। डे 3 की असली ट्रैकिंग जो है शुरू हो गई है। बहुत ही स्टीप रूट है, काफ़ी खड़ा है रास्ता। यहाँ से फिसलने पर वापस बेस कैंप में जा सकता है आदमी। ये देखो यहाँ से चौखंबा दिख रहा है, केदारनाथ वाली पहाड़ी देख पंगो। वो देखो लेफ्ट साइड चौखंबा के लेफ्ट में। ये गणपति गणेश भगवान का मंदिर। अभी हम लोग उस वाले रास्ते से आए हैं, ये पीछे जो दिख रहा है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी के बाद हमने हॉल्ट लिया है और अभी भी 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है। भगवा बादशाह से पहले एक बहुत ही माना जाना भगवान गणेश को समर्पित मंदिर केलवा विनायक है। अभी अभी रंजीत भाई ने बताया है कि गांव वाले जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं एक त्यौहार में एक ही दिन में गांव से केलवा विनायक और केलवा विनायक से वापस गांव में जाते हैं जिसमें वो ब्रह्म कमल के लिए यहां पर आते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे टॉप में जहां से त्रिशूल पर्वत जो है क्लियरली विजिबल है और यहां से रूपकुंड भी दिख रहा है। और हम रूपकुंड से काफ़ी नज़दीक हैं और कल सुबह हम लोग 3 बजे रूपकुंड के लिए चढ़ाई करेंगे। और हमारे पीछे है गणेश जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर जगह पे ये मंदिर बना हुआ है। रंजीत भाई आज के गाइड हैं। तो रंजीत भाई जूनियर गली से क्या क्या दिखेगा एक बार थोड़ा सा बताएंगे। सर जो ये सामने दिख रहा है त्रिशूली, ये नीचे जड़ से दिखेगा। ओके। और नीचे खाई में शिला समुद्र नाम है वहाँ दिखेगा। शिला समुद्र। हाँ ओके। उधर से फिर आगे ये जो ये नंदा देवी पर्वत तो है ही जी, जो क्लियरली अभी भी दिख रहा है। हाँ, और
सिटी सेटल के लिए उधर रास्ता दिखेगा आगे। ओके तो जो यात्रा होती है वो लास्ट कहाँ तक जाती है? होमकुंड सर। होमकुंड हाँ इसी रूट से जाती है। ओके केलवा विनायक में हमने नंदा खूंटी पर्वत के सामने मेडिटेशन किया और ऐसा लगा कि मानो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया हो, समय रुक सा गया। तो अभी हम लोग हैं भभुआ बासा के आसपास और नीचे ही गणेश मंदिर है और हम लोग उसके आसपास एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भभुआ बासा जो हमारा बेस कैंप है वो 1 किलोमीटर रह गया है। और जहाँ तक की बात है रूपकुंड की, यहाँ से सामने ही रूपकुंड दिख रहा है और ये हमारा day 3 है और तीसरे दिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था पर काफ़ी स्टीप हाइट है और कुल मिला के हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चले हैं अभी तक। ओवरऑल रूपकुंड ट्रैक की बात करें तो ये मेरे हिसाब से मॉडरेट ट्रैक है। अगर आप सफिशिएंट डेज लेके आते हो 7 या 8 दिन तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगर किसी को मॉडरेट ट्रैक करना है तो अक्टूबर महीने में, सितंबर अक्टूबर या नवंबर में यहाँ पर आए और 6-7 दिन तक इस ट्रैक को रन पूरा करें। तो हमने अभी चलना ही शुरू किया था भगवा भाषा की तरफ। ये हेल स्टॉर्म है और यहाँ पे हर शाम को अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही तेज से हेल स्टॉर्म होता है। ये जो छोटी छोटी सी छावनियाँ आपको दिख रही हैं वो नंदा देवी राजरात यात्रा में बड़ी काम आती हैं और 2026 में होने वाली यात्रा के लिए रिपेयर की जाएंगी और बहुत सारी फिर से बनाई जाएंगी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं रूपकुंड के बेस में भगवा बासा। यहाँ पे बारिश भी हो रही है और साथ ही साथ हमारा टेंट भी लग रहा है तो ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा बहुत सामान भीग चुका है, थोड़ा बहुत कैमरा भीग चुका है। तो गाइस बाहर बर्फबारी हो रही है और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। सेलेस और पंकडॉन दोनों सोए हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाइस अभी आया है गरम गरम और सबकी तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब है सर्दी से। आप बाहर का मौसम देखिए, अभी बरसात के बाद हम लोग बाहर निकले हैं और आप जैसे दिख रहा होगा पूरा ट्रैक बर्फ से भर गया है। जो रूपकुंड जाने का ट्रैक है ये और भी चैलेंजिंग हो गया है आगे। तो ये रहा सेकंड एपिसोड हमारे 5 दिन के रूपकुंड ट्रैक का और फाइनल एपिसोड में हम सुबह 3 बजे रूपकुंड ट्रैक के लिए चढ़ाई करेंगे और उसी दिन एशियाज लार्जेस्ट बुग्याल अली बुग्याल में अपने ट्रैक को समाप्त करेंगे। बने रहिए रवि फ्रॉम हिमालय में। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।